ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು? 15 10 ಇರಬೇಕಾಗಿ 10 ಜನ ಹೋಗಬೇಕು ಕೋರ್ಟಿಗೆ. ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊರತು ನನಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುದು, ನಾನು ಬೇಡದಾಗ ನಾನು ನೋಡುದು ಆಗ್ತದಾ? ಈ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಇವರು ಫಾರಿನ್ ಹೋಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಸೌದಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮಾತಾಡೋರಿಗೆ. ಹಾಗೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬರಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ. हाल ही में यूटी खादर कांग्रेस के एमएलए ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फ्रीडम अगर देखना है तो दूसरे कंट्री में जाएं, अफगानिस्तान जाएं, पाकिस्तान जाएं और सऊदी अरेबिया में जाएं। उनके इस बयान के बाद काफ़ी लोगों की नाराज़गी देखने को मिल रही है। सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूटी खादर साहब। सर, आपने स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट करते हुए कहा था कि अगर फ्रीडम देखना है तो दूसरे कंट्री में जाएं, पाकिस्तान जाएं, अफगानिस्तान जाएं, कहना क्या चाहते हैं? नहीं, ये क्या है, गलत से मिसइंटरप्रेट हुआ है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मैं स्टूडेंट्स को या हमारा बहन के लिए वो हिजाब के बारे में के लिए वो ऐसी वो बात कुछ नहीं किया है। हमारा क्या है, उद्देश्य हमको एक अच्छा माहौल चाहिए और सभी एजुकेशन पढ़ना है। हमारा कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम कानून से हमको उनको न्याय मिलने का प्रयत्न करना। अभी क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो भी हमको हमारा लॉ में न्याय मिलने का अवकाश है। और कोई आम आदमी माइक पकड़ के बात करता है और कानून के नहीं रेस्पेक्ट करते, वो इंडियन ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी और लॉ ऑफ द लैंड कैसा है तो देखने के लिए हम एक बार दूसरे जगह जाकर आएंगे तो हमको मालूम पड़ता, नहीं तो नहीं मालूम पड़ा। स्टूडेंट्स को आप नहीं बोल रहे थे? नहीं नहीं, स्टूडेंट्स को नहीं है, स्टूडेंट्स का इशू अलग है। ये स्टूडेंट्स का इशू के बाद में लास्ट में प्रेस वाला पूछा था, कोई आदमी को कानून नहीं चाहिए, वो कानून जैसे नहीं जाते हैं, उनको कानून नहीं चाहिए बोला। वो कौन कौन अभी कानून के अगेंस्ट है उनको सब क्या बोला है, इंडिया का कानून क्या है को मालूम करने के लिए हम दूसरा जगह कंट्री जाएंगे तो मालूम पड़ता। इसमें पासिंग रेफरेंस में मैं साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, सऊदी बोला और मैं उसमें भी बोला साउथ अफ्रीका में मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ, ऐसी बात क्या है। बाद में मीडिया में, सोशल मीडिया में सब SDP जैसे पॉलिटिकल पार्टी उनको पॉलिटिकल गेन करने के लिए ऐसी मिस इंटरप्रेट हुआ, ऐसी वो आगे आगे जाता था। ये झूठ कितना दिन जा सकते हैं ना सर? ये बताइए, आप मैंगलोर से आते हैं, ये पूरा हिजाब का मामला आखिर शुरू कैसे हुआ, किसकी गलती है सर? अभी गलती किसके स्टार्ट कैसे हुआ तो अभी सिर्फ एक ही कॉलेज में प्रॉब्लम है, दो कॉलेज में, एक ही मैंगलोर यूनिवर्सिटी का कॉलेज, ये मैंगलोर यूनिवर्सिटी के अंडर है। उधर ही लास्ट टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनका कैलेंडर में वो हिजाब का एक अवकाश था। अभी मिडिल ऑफ द एकेडमिक ईयर वो सिंडिकेट उनका रूल्स चेंज किया है, ये पहला मिस्टेक है। अभी सिंडिकेट का रेजोल्यूशन करेक्ट या नॉट करेक्ट VC को बोल नहीं सकती, वाइस चांसलर को, मैं उनको बात किया, DC को बात किया, DC बोला मैं भी उनको राइट और रॉन्ग बोलने के लिए सिर्फ कोर्ट बोलना उनका जरूरत नहीं था, ये मिडल ऑफ द करने का 3 महीने के बाद उनको कर सकता था न्यू एकेडमी ईयर के लिए, मगर करने का उनका पावर ये रूल्स में नहीं है तो उनको कोर्ट ही बोलना। सो बैन लोगों को मैं बोल दिया था आप कोर्ट में जाएंगे तो हमको आधा घंटे में स्टे मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा एडवोकेट का फोन नंबर भी उनको दे दिया, उनका नंबर एडवोकेट को भी दिया, बात किया था, बाद में वो कोर्ट नहीं जाने के लिए उनका इंटरेस्ट नहीं था। नहीं, आप जा सकते थे ना? हम कैसे जा सकते हो, कौन का प्रॉब्लम हो हुई है एप्लीकेशन डालना ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी आप वहाँ पे? मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थे, वो स्टूडेंट भी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थे, एक कॉलेज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थे। वो मुझे फ़ोन किया है, मैं उनका मदद किया। तो क्या लग रहा है आपको, ये इशू सॉल्व करना वो खुद ही नहीं चाहते थे? वो मालूम नहीं, अभी दोनों साइड उनको भी हमारा सिंडिकेट को भी उनका क्यों है मिडल ऑफ द ईयर ऐसे रूल चेंज किया, वो उनका मिस्टेक है, उनको लीगली फाइट करना हमारा जिम्मेदारी है। वो हम अभी ऐसे नहीं किया, एजुकेशन का प्रॉब्लम होता है,
अभी हम कॉलेज के अंदर बहुत लड़के लोग सो इधर उधर पढ़ता है, बहन लोग बाहर हम कॉम्प्लिकेशन करते हैं, सभी को डिस्ट्रैक्ट होता है। अभी जो सस्पेंड कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उसके बारे में क्या है? हम क्या बोलता है, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और गर्ल्स एजुकेशन इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, कोई इंडरेंस एजुकेशन नहीं होना, इसीलिए गवर्नमेंट का ऑर्डर और कोर्ट का ऑर्डर के जैसे हम पालन करना है। अभी पहले क्या हमारा प्रॉब्लम था, क्लास में अंदर सभी को अवकाश था, कोर्ट आया सबको स्टॉप किया। अभी ऐसी प्रॉब्लम में दो कॉलेज में कैंपस की परमिशन नहीं, बाद में मालूम नहीं होता ऐसे कहेंगे तो किधर जा सकते हैं, इसलिए सब बैठ के सोचना और पेरेंट्स उनका बच्चे लोगों का पेरेंट्स पहले उनका ए, उनका चिल्ड्रन का एजुकेशन बस सोचना है, और उलेमास क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है उनको एक संदेश देना जरूरी है। सर अभी जो सस्पेंड हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है जो उसमें इन्वॉल्व थे, तो उस ताल्लुक से आपने कुछ किया है? हम एक बार सभी लोगों को मिलकर बैठ कर बात किया था, बाद में उधर लोकल MLA और लोकल मुस्लिम लीडर भी बात करके सभी फाइनल एक्सक्यूज उनको दे दिया था, इसमें कोई और दूसरा ऐसे वायलेशन किया है, इसीलिए 24 मेंबर अब मैं अभी मैं देखा उनको सस्पेंड किया है। उधर अभी लोकल क्या है हम सभी ऐसे संदन किया है, वो नहीं मानते, वो भी अभी आगे नहीं आते, आगे मालूम नहीं क्या है। अभी मैं अभी कॉलेज को बोलता हूँ, यूनिवर्सिटी बोलता हूँ, बच्चे लोग मिस्टेक करता है उनको थोड़ा माफ़ करके उनके एजुकेशन के लिए कंटिन्यू करने के लिए एक मौला बनने का जिम्मेदारी और कॉलेज का जिम्मेदारी है।